एक ऑफिसर मरेगी तो हजारों ऑफिसर्स पैदा होंगे। मार, मार चेतो मारे मार। पानी चाहिए। अरे देखो साथियों, जे पुलिस वाली पानी के लिए तरस रही है। हर सिपाही का वही हाल होगा, मिट्टी में मिला देंगे जो गर्जना के आड़े आ जाए। लापानी रुक, ए रुक, पुलिस वाली है, गाय को हाँ हाथ से पानी पिलाएंगे। पानी पिएगी, पानी ले पी ले। ले पानी, पानी चाहिए ना, आ जा। अरे पी ले पानी। अरे आजा, सिपाही हो ना, उठो। उठो उठो, क्या हुआ? ते देश को नहीं बचाएगी? बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली है ना तूने? उठ, गर्जना के आड़े आने वाले हर सिपाही का यही हाल होगा, मिट्टी में मिला देंगे हम। देखो भाइयों, कैसे मिट्टी में मिल गई है। पानी चाहिए, पी ले, पी ले। ये देख, हमारे पास पैसे भी है, जीप भी है और विदेशी दिमाग भी। साथियों, गर्जना के मास्टर प्लान के लिए जहां से अच्छा सुबह अवसर नहीं हो सकता कि मुहूर्त पर भारत सरकार की एक सिपाही की बलि चढ़े। जय गर्जना, जय गर्जना। जय गर्जना, जय गर्जना।
गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना। जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना। अरे जाने बच्चे को आग लगाई, अरे पानी लाओ, क्या कर दिया इसने, अरे आग लगा दी। अरे पानी ले लो, पैसे बचाओ, पानी ले लो। एक पैसे तो सारे जल गो, अब क्या करेंगे? ए? ले जाओ जाको, हेड दो जंगल में, चील कौवे खाएंगे। निशान कहीं नहीं दिख रहे, कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं ले लिया, किस तरफ जाऊं? फेंक दो यहां, जंगली जानवर उठा ले जाएंगे यहां से। हाँ बस यहीं फेंक दो। हाँ और बनने दो खुराक जानवरों की, चलो। आपको
मुझे माफ कर दीजिए। जाना चाहती थी लीजिए, संभालिए अपने बेटे को। नहीं, मैं तुम्हारे बिना अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों आई है लाली माँ यहाँ? क्यों राज है इसके पीछे? क्या बात है संतोष, सोई नहीं अब तक? लाली माँ के बारे में सोच रही है? समझ नहीं आ रहा, ये छोरी आखिर चावे की है? इतना अपमान होने के बाद में भी वो इस घर में टिकी है, समझ ना आ रहा मारे को। संतोष, सच बताओ संतोष, समझ तो मैं थारे को भी ना पा रहा हूं। कल तक तू सूरज ने लाली माँ से जोड़ने की खातिर मरी जा रही थी, क्योंकि लाली माँ में थारे को सूरज का उपचार नजर आ रहा था। लाली माँ के संस्कार, उसकी भक्ति, उसकी सोच ने थारे पर तो जादू कर रखा था। पर आज जब लाली माँ सूरज ने सुरक्षित घर लाई तो टूट गया जादू, शक करने लगी तो उस पर। जे थारी सोच ने क्या हो गया है, दिन से रात का बदल हो गया? कहीं थारे को जे बात तो खाई नहीं जा रही है? थारा छोरा थारे को छोड़कर किसी पराई लड़की पर भरोसा करने लगा है? इतनी ऊंची सोचना है मारी? सूरज का लालिमा को अपना समझना, उसका उस पर भरोसा करना, उससे मारे को कोई परेशानी ना है। फिर? कहीं ऐसा तो ना है ना जी कि सूरज की मदद करने के बहाने मारे घर की सुख शांति बंद करने के वास्ते आई है। जानो मैं लाली माँ के प्रति मारे मन की सोच में जिस शक पैदा हुई है उसकी वजह ना संध्या बीनणी है। संध्या बीनणी ने जो किया उसके बाद मारे मन की सोच और इंसानों ने पहचानने की जो समझ है ना उस पर से मारा भरोसा उठा दिया है। संध्या बीनणी पर कितना भरोसा था मारे को कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मारे घर परिवार ने संभाल लेगी। पर क्या हुआ जी, उसे एक पल भी ना लगा माथे से चुनरी उतार कर फेंक देने में और वर्दी पहन करके धोखा देने में। उसने जो किया है ना उसके बाद तुम्हारे को मारे पर ही भरोसा ना रहा तो औरों की क्या बात करूंगी मैं? और संध्या बीनणी के धोखा देने के बाद मारे छोरे का जे हाल हो गया। मारा सूरज
दूसरा धोखा ना झेल पावे को। हाँ, डर है मारे मन में, पर किसी औरत से हारने का डर ना है, मारे बेटे को खो देने का डर है मारे। एक सब दोस्त, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, अठे क्यों आई है, जे तो ब्रह्मा जी ही जाने, मारे बस की बात को नहीं। मारे लिए तो सच्चाई यही है कि जे मारे छोरे ने सुरक्षित घर लाई है, वो उस पर भरोसा करे, मारे लिए इतने अच्छा है। जे तुम्हारे को भी दिख रहा है, पर चिंता इस बात की हो रही है मारे को कि सब कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ छुपा हुआ भी है, या तो जे लड़की ना बड़ी चालाक और बदले से भरी हुई है, और या फिर बहुत ही भली और पवित्र। कुछ समझ ना आ रहा मारे को। मंजिल को पाने के लिए जो आपके दिल में जुनून है, वही एक काबिल आईपीएस ऑफिसर की निशानी है। ऑफिशियली मैं आपकी गुरु जरूर हूं, लेकिन सच कहूं तो पिछले 11 महीनों में मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो जीते या ना जीते लेकिन अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते। मेरी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। मुझे कसम है आपकी दी हुई शिक्षा की सब, गर्जना संगठन का सर्वनाश करके मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगी। सूरज को ऐसे बार बार दौरे पड़ना अच्छी बात नहीं है, इससे हर बार उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो रही है, और इस बार आए हुए दौरे से उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। डॉक्टर, हम ऐसा क्या करें जिससे सूरज जी को दोबारा दौरा ना पड़े और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए? मेरा मतलब, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? देखिए, फिलहाल तो आप सूरज को ज्यादा से ज्यादा ऐसे माहौल में रखिए कि जहाँ वो खुश रह सके, शांत रहे, और उनके आसपास ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचे। अब तनाव से उनको जितना दूर रखा जाए दूर रखिए, और लगातार ऐसे खुशहाल और तनाव मुक्त माहौल में रहने से सूरज ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ में आप एक और बात का ध्यान रखिए, सूरज अब बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं, अब यहां से एक और दौरा उनकी जान तक ले सकता है। राम राम सागरिका।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।